ये वैगन आर दिखाई दे रही है, इसी में सवार होकर इससे पहले भी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा है, जब भी वो कहीं गए हैं, चाहे वो उपराज्यपाल से मिलने गए हो, इसी गाड़ी में सवार होकर निकले थे। अभी पहले हालांकि खुली हुई जीप की बात आ रही थी, लेकिन ये वैगन आर आप दिखाई देख रहे हैं, शायद इसी से सवार होकर आगे बढ़ेंगे। अभी तस्वीर पूरी साफ होनी, जानकारी पूरी आनी बाकी है, लेकिन बाराखंबा स्टेशन बहरहाल पहुँच गए हैं और यहाँ पर भी भारी तादाद में लोग मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं, सुरक्षाकर्मी कोशिश ये कर रहे हैं कि कारवां आगे बढ़े, क्योंकि 12 बजे का वक्त वहाँ के लिए भी तय किया हुआ है। ऐसे में 11:33 तो यहीं पर हो गए हैं, 11:30 हो चुके हैं, वक्त कम है, यहाँ से निकलना होगा, अब रामलीला मैदान भी पहुँचना होगा। कार्यकर्ता भारी तादाद में इन जगहों पर मौजूद हैं और यहीं से वो पहुँचेंगे रामलीला मैदान और यहीं पर एक नए इतिहास की शुरुआत होगी। ये अभय जी ने अभी प्रशिक्षण की बात कही, जी जी, तो 1993 में जब पहली बार विधानसभा बनी थी, हाँ, तो सारे ही विधायक नए थे, बिल्कुल, और सब ये सब विधायक जो आज इतने राजनीति में ऊपर पहुंचे हुए हैं, हाँ, अजय माकन, अरविंदर सिंह लवली, जग प्रवेश चंद्र, ये मेरे कमरे में आके घंटों बैठे रहते थे और सिर्फ इसी पे चर्चा करते थे कि हमें सिखाइए, अपने आप से प्रश्न पूछते थे कि अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो विधानसभा में क्या होगा, वो कहते थे पढ़ने से ज्यादा तुम्हारे समझाने से समझ आएगा, बिल्कुल, और आज देखिए वो कहाँ पहुँच गए हैं, कितने परफेक्ट हैं, यही कोशिश ये भी कर सकते हैं, यही नजारा रहता था, ऑटो के पीछे हो, झंडे हो, हर जगह आम आदमी पार्टी का वो झाड़ू और अरविंद केजरीवाल की तस्वीर, और इसी के साथ बुलंदियों पर झाड़ू पर नाज किया इस पार्टी ने, कोशिश की कि भ्रष्टाचार से जो सफाई हमें करनी है व्यवस्था से, उसका एक प्रतीक खोजे, झाड़ू पर पहुंचे।